सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों यार इस साल ना मतलब हमको मिड रेंज मार्केट में इतने सारे बहुत सारे भैया तरह तरह के कमाल फोन्स देखने को मिले, और यहाँ पे दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए साल के एंड में टॉप 5 लिस्ट अलग अलग कैटेगरीज में भैया कौन से रहे हैं फोन सबसे ऊपर और सबसे नीचे। तो यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ टॉप 5 मिड रेंज फोन्स के बारे में जो दोस्तों हुए हैं लॉन्च 2018 में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे हम बात करते हैं भैया फिफ्थ पोजीशन पे आने वाले फोन के बारे में, तो वो है दोस्तों हमारे पास में ये Xiaomi का Redmi Note 6 Pro। हालांकि दोस्तों ये जो फोन है ये Redmi Note 5 Pro से अगर आप करते हैं कंपेयर तो ज्यादा कुछ डिफरेंसेस लेके नहीं आता है। यहाँ पर दोस्तों वही सेम Snapdragon 636 प्रोसेसर था, आपको दोस्तों सिर्फ मिल गया एक नॉच वाला डिजाइन। दोस्तों सामने यहाँ पे ऐड हो गया एक और एक्स्ट्रा कैमरा, और यहाँ पर दोस्तों जो रियर कैमरा उसमें हुए इंप्रूवमेंट्स, लेकिन फिर भी अपनी प्राइस के हिसाब से दोस्तों ये फोन काफी ज्यादा सही है। और ऐसे में पॉपुलर तो यार इंडिया में है ही Xiaomi के फोन्स, Redmi Note 5 Pro अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा था, और ऐसे दोस्तों ये जो Redmi Note 6 है ये भी एक काफी अच्छा पैकेज है अपनी प्राइस के हिसाब से। तो दोस्तों ये आता है यहां पे नंबर 5th पोजीशन पे। बात दोस्तों करते हैं अगर आपसे 4th पोजीशन की, तो भैया यहां पे दोस्तों मैं दूंगा ये पोजीशन नोकिया के नोकिया 6.1 प्लस को। और यहां पे नोकिया ने मतलब क्या किया इंडियन मार्केट में कि काफी काम किए बहुत अच्छे, काफी काम किए बहुत खराब। और यहां पे जो नोकिया का 6.1 प्लस था वो भैया एक अच्छे कामों में से एक उसका दोस्तों फोन था, जहां पे अभी दोस्तों मिल जाता है Snapdragon का 636 प्रोसेसर, और यहां पे दोस्तों नोकिया का नाम है ये है Android 1 प्रोग्राम के साथ में। तो मतलब काफी सारी यहां पे इस फोन में अच्छी बातें थी। हालांकि दोस्तों अगर आप करते हैं कंपेयर डायरेक्ट कंपटीशन के साथ में, तो जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो इतनी ज्यादा सही नहीं है प्राइस के हिसाब से। लेकिन दोस्तों अगर आप देखते हैं यहां पे भैया नोकिया के नाम को, Android 1 प्रोग्राम को, फोन की दोस्तों सॉलिड बिल्ड क्वालिटी को, और जो हार्डवेयर दोस्तों है वो भी अपने आप में काफी बैलेंस्ड है, तो मैं यहां पे दोस्तों प्लेस करता हूं नोकिया 6.1 प्लस को 4th पोजीशन पे। बात दोस्तों करते हैं अगर आपसे 3rd पोजीशन की, तो भैया यहां पे आता है ये Realme का Realme 2 Pro। और Realme मतलब दोस्तों क्या बात करें ब्रांड की यार, कि इसी साल आया मार्केट में Realme 1 के साथ में, मतलब काफी एकदम धूम मचा दी। उसके बाद दोस्तों और भी कुछ मॉडल्स निकाले, और यहां पे जो Realme 2 Pro फोन है ये जब आया था मार्केट में तो यार 13,990 रुपए की प्राइस में दोस्तों देता था Snapdragon 660 प्रोसेसर। फिलहाल यहां पे दोस्तों शायद कुछ ऑफर्स, शायद कुछ डिस्काउंट्स आपको मिल रहे हैं, और यहां पे डिजाइन है वो है वाटर ड्रॉप नॉच वाला, और 660 आपको मिल रहा है, ट्रिपल स्लॉट आपको इसमें मिल रहा है। तो मतलब बहुत दोस्तों सारी चीजें एकदम कंप्लीट पैकेज, तो मेरे ख्याल से ये फोन दोस्तों बहुत ही अच्छा रहा इस साल मिड रेंज फोन्स के मार्केट में। तो ये है दोस्तों फिलहाल पोजीशन 3 पे। और बात दोस्तों करता हूं अगर आपसे सेकंड पोजीशन की, तो ये फोन बिल्कुल नया है, एकदम ताजा ताजा दोस्तों आया है मार्केट में, और ये है Asus का Zenfone Max Pro M2। 5000 mAh की बैटरी, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6, स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर, सब कुछ दोस्तों को मिला के ये फोन मिल रहा है 12,999 रुपए की प्राइस में। ट्रिपल स्लॉट यहाँ पे भी अवेलेबल है, और यहाँ पे दोस्तों इसमें जो कैमरास हैं वो भी काफी अच्छे से Asus ने इंप्रूव किए पुराने Zenfone Max Pro M1 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे ये जो फोन है मतलब इसने Realme 2 Pro के नीचे दोस्तों प्राइस निकालने के बाद में जो आपको स्पेसिफिकेशंस दी हैं वो काफी अच्छी दी हैं, और यहाँ पर दोस्तों ये आता है एकदम स्टॉक एंड्रॉयड के साथ में, तो वो भी इसके एक फेवर में पॉइंट है। और बाकी अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, ज्यादा कुछ मतलब इसमें कहने को दोस्तों है नहीं कमियां फोन में निकालने के लिए। तो अपनी प्राइस के हिसाब से ये जो फोन है ये काफी सही है, जो कि आता है यहाँ पे नंबर 2 पोजीशन पे। और बात दोस्तों करता हूँ अगर आपसे नंबर 1 की, तो भैया आप सभी जानते हैं कि इस साल किसने किया कमाल, बहुत ज्यादा धमाल, और वहां पर दोस्तों हमारे पास में है ये पोको का पोको F1। 20,000 रुपए की प्राइस में Snapdragon 845 प्रोसेसर, लिक्विड कूलिंग के साथ में, बड़ी बैटरी है दोस्तों यहां पे। तो मतलब ये जो फोन है जब लॉन्च हुआ तब से मतलब इतना पॉपुलैरिटी में दोस्तों रहा है पोको फोन F1। और ऐसे में ये जो पोको F1 है इसके अलग अलग वेरिएंट्स भी हालांकि अवेलेबल है दोस्तों, मैं से बात कर रहा हूं यहां पे एकदम बेस वेरियंट की, जो कि आता है 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में। मतलब वो भी अपने आप में यार एक काफी कमाल पैकेज है 20,000 रुपए की प्राइस रेंज में, जहां पे आपको सब कुछ ही मिल गया, आपको दोस्तों एक्स्ट्रा कुछ यहां पे
सोचने की जरूरत नहीं है, ड्यूअल रियर कैमरा है और कैमरा क्वालिटी भी इसकी काफी अच्छी है। तो ये दोस्तों पोको F1 जो कि है भैया नंबर 1 मिड रेंज फोन मेरी नजर में। बात दोस्तों अगर आपसे करता हूं कुछ और फोन्स के बारे में, तो यार यहां पे लिस्ट में ऑनर प्ले जो है वो शामिल हो सकता था लेकिन हो नहीं पाया, जहां पर दोस्तों फिलहाल तो उसकी प्राइस और भी काफी कम हो गई है, जो कि अपने आप में काफी अच्छा फोन था जब लॉन्च हुआ था। तो ये है दोस्तों, हालांकि इसके अलावा और बहुत सारे फोन्स लॉन्च हुए हैं इस साल, हमको बहुत सारे अच्छे अच्छे फोन्स देखने को मिले हैं दोस्तों मिड रेंज प्राइस रेंज में। लेकिन फिलहाल के लिए यही थे मेरी तरफ से टॉप 5 पिक्स। आपके फेवरेट कौन से हैं बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।